हेलो चिल्ड्रन आई होप यू ऑल आर गुड सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एसएसटी चैप्टर नंबर 17 मार्च टू फ्रीडम फाइनली आज़ाद होने की कहानी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट एक्ट जैसे रॉलेट एक्ट वाला बाग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिवोल्यूशनरी मोमेंट एंड सेकेंड वॉर फ्रीडम मोमेंट तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी 1916 से और एंड करेंगे भारत की आज़ादी पे 1947 सी बेटा ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 1916 टू 1947 लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट टुक प्लेस इन द इंडियन हिस्ट्री और जिसकी वजह से फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म हैड अवेकन द पीपल एंड सम मोर सीरियस एफर्ट Could result into the independence. 1916 में kya hua The moderates and the extremists they sorted out their differences and united and make a combined efforts. 16 में जाके उन्हें लगा भाई हम आपस में लड़ रहे हैं moderates और extremists. Britishers को ये दिख रहा है unite होने की ज़रूरत है तो उन्होंने अपने आप को combine किया. The British passed the Government of India Act 1919 19 at that time. which was popularly known as montague chemsford reforms. The government of India Act 1919 came. Now, what the in tried to disunite the Indian and in no way brought India near the aim of self-rule. उन्होंने इस एक्ट के थ्रू ऐसा करना चाहा कि जो हमारा एम है ना कि सेल्फ रूल करें हम देश को आज़ाद कर लो हम देश चलाएंगे उसको खत्म करने की कोशिश की इट डिस सेटिस्फाइड द कांग्रेस एंड इंडियंस टू वर्स ऑन द सिचुएशन फर्दर द गवर्नमेंट पास द अनदर एक्ट दैट इज कॉल्ड रॉलेट एक्ट भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो डाला ही तुमने उसके बाद इंडियंस की सिचुएशन को खराब करने के लिए इन्होंने एक नया कानून पास किया डैट वॉज रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट बेटा सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ ना तो इसे ब्लैक लॉ या काला कानून कहा जा सकता है जिसमें इंडियन को सप्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी अब इस लॉ में क्या था कि इस एक्ट में ये दिया गया था कि ब्रिटिशर्स को अगर किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति पर शक होता है ठीक है तो ब्रिटिशर्स कैन इम्प्रॉयजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर टू ईयर मतलब बिना जज के सामने प्रोड्यूस किए दो साल के लिए वो किसी भी व्यक्ति को जिसमें भी उन्हें शक हो रहा है जेल में डाल सकते हैं अब बताओ तो ब्रिटिश की जेल में दो साल तक कौन जिंदा रहेगा द इंडियंस डिमांडिंग सिविल लिबर्टीज़ की ये तो गलत है ये हमारी आज़ादी आपने छीन ली आपको तो किसी पे भी शक हो जाएगा कहीं से भी उठा लोगे जेल में डाल दोगे उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं करोगे तो भाई ये एक्ट तो अपने आप में हमारी पूरी की पूरी सिविल लिबर्टीज़ को ख़त्म कर रहा था ऑल इंडियन पीपल रोज इन अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट ऑन सिक्स अप्रैल नाइनटीन अगेंस्ट दिस ब्लैक एक्ट वाइल द नेशन वाइड हड़ताल पूरे भारत में हड़ताल हुई थी अप्रैल को इस कानून के खिलाफ इन ब्रिटिशर्स को कोई असर नहीं था बेटा वो तो पूरा इसमें लगे हुए थे कि कैसे भी करके इंडियन को कुचलना है आजाद नहीं करना है और रॉलेट एक्ट के बाद उनकी हिम्मत देखो एक और इन फेमस इंसिडेंट उन्होंने कर दिया दैट वाज जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग जो था दैट एट दैट टाइम टेंथ अप्रैल 1919 हुआ क्या था कि मार्शल लॉ लगा हुआ था और लोगों को बाहर आने जाने की अनुमति विदाउट परमिशन नहीं थी तो so, दो नेशनलिस्ट लीडर थे पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल रेड्डी एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये दो लोकल लीडर थे पंजाब के देवर अरेस्टेड सो पंजाब में क्या हुआ बेसिकली अमृतसर में एक मीटिंग बुलाई गई जलियावाला बाग में लिया वाला बाग बेटा आपका अमृतसर में है सो दिस पार्क इज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स ऑन थ्री साइड्स आप देखोगे ना अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा कोशिश की है चौड़ा रोड बनाने की अदरवाइज एक नैरो रोड है एंट्री उसकी और कोई एग्जिट नहीं है और वो पार्क तीनों साइड से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है अब क्या हुआ अराउंड यू कैन से द ट्वेंटी थाउजेंड स्ट्रांग मीटिंग इंक्लूडेड विमेन एंड चिल्ड्रन फुल्ली पीसफुल आराम से लोग वहाँ बैठे हुए थे आराम से मीटिंग अटेंड कर रहे थे कुछ लोग तो लोकल लोग थे ऐसे ही आए हुए थे है ना अब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें कोई लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं रहे लेकिन एट दैट टाइम जनरल डायर ने क्या किया ही वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर वो अपने ट्रूप के साथ आए और मेन गेट पे एंट्री जो कि एक ही एंट्री एग्जिट थी नैरो बिल्कुल वहाँ पे अपने ट्रूप्स को लाइन से खड़ा कर दिया और बिना वार्निंग दिए वार्निंग तो देते आप लोगों को कि आप यहाँ से जाइए नहीं तो हम गोली चला देंगे कोई वार्निंग नहीं दी सिर्फ एंट्री पे खड़ा करके लाइन से उन्होंने ऑर्डर कर दिया फायर तब तक फायर करो जब तक सारी गोलियां खत्म ना हो जाए दिस इंसिडेंस वॉज द इनफेमस एंड हॉरीबल इंसिडेंट्स हॉरीबल टेल ऑफ ब्लड इतना ब्लड शेड हुआ बेटा उस टाइम पे द पीपल हैड नो वेयर टू हाइड और एस्केप कहाँ जाए पार्क में कोई रास्ता ही नहीं है कुछ कुएँ में कूद गए कुछ ऐसे चढ़ रहे थे दीवार पर कि शायद हम बच जाएंगे ऊँची ऊँची दीवारें थीं आप आज भी जाओगे तो गोली के निशान आपको दीवारों पर दिखेंगे इट वॉज एस्टिमेटेड ओवर थाउजेंड पीपल वर किल्ड एंड अनदर टू थाउजेंड वर इंजर्ड नॉट ओनली दिस द गोरमेंट इम्पोज द मार्शल लॉ इन पंजाब इतना बुरा काम इनोसेंट लोगों को मार देना जलिया वाला बाग की कहानी आज भी दर्दनाक कहानी है इन प्रोटेस्ट पीपल रिनाउंस देर टाइटल लोगों ने इसका विरोध किया और जो बड़े बड़े लोग थे लीडर्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने कुछ टाइटल्स दिए थे उन्होंने अपने टाइटल वापस कर दिए कि नीचे जी आपका प्राइस ले लो अगर आप हमारे देश के लोगों के साथ नहीं है तो रविन्द्र टैगोर जी को एक टाइटल मिला था एट दैट टाइम दैट टाइटल वॉज नाइटहुड ओके नाइटहुड का टाइटल दिया था रविन्द्र टैगोर को पीपल वर रेडी टू मेक इवन मोर सेक्रीफाइसेस ब्रिटिशर्स को लगा लोगों के अंदर डर आ जाएगा और वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे लोग घर से बाहर निकल आए आएंगे मारो कितना मारोगे हमें एट दैट टाइम द नेशनलिस्ट लीडर इमर्ज महात्मा गांधी फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी मोहन दास करमचंद गांधी ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात और कब पैदा हुए थे गांधी जी ऑन सेकेंड अक्टूबर 1869 उनके फादर जो थे वो दीवान थे कुछ स्टेट्स के उनकी मदर पुतली बाई वो सेंटली लेडी बहुत धार्मिक लेडी थी गांधी जी वॉज मैरिड टू कस्तूरबा ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन इन 1888 एटी एट एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ बैरिस्टर ही ऑल्सो वेंट टू साउथ अफ्रीका टू टेक पार्ट इन द सिविल सूट इन एटीन थर्ट थ्री ही स्टेट देयर फॉर 21 वन मतलब लंदन भी गए फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका भी गए 21 साल साउथ अफ्रीका में रहे वो एंड फाउट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन देयर वहाँ पे ना इंडियंस को ब्लैक ब्लैक कहके और वैसे भी ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने जो मैथड अपनाया था बिना वायलेंस का उस मैथड को कहा जाता है सत्याग्रह आइडिया ऑफ सत्याग्रह तो जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए इंडिया इन जनवरी 1915 ही वॉज ब्रॉट इन टू द पॉलिटिक्स बाय गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि आपको इंडिया में भी पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा ठीक है देन ही अ सत्याग्रह आश्रम ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती साबरमती रिवर कहाँ है गुजरात में बेटा वहाँ पे उस नदी के किनारे उन्होंने अपना आश्रम बनाया ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली टू अंडरस्टैंड द पीपल क्योंकि जनवरी 1915 में जब आए ना तो शुरू शुरू में एक साल उन्होंने पूरा भारत जितना वो घूम सकते थे घूमा लोगों को समझा उनकी प्रॉब्लम को समझा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देन उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया नाउ ही विल लॉन्च द सत्याग्रह सो ही सक्सेसफुली लेट द स्मॉल स्मॉल मोवमेंट फॉर पुअर वर्कर फार्मर एंड द इम्पॉर्टेंट ऑफ विच वर द चंपारण सत्याग्रह तीन सत्याग्रह इनके बड़े फेमस हुए थे चंपारण जो कि इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट उन्होंने किया था देन आपका अहमदाबाद जो मिल वर्कर की वर्स्ट कंडीशन के खिलाफ किया था उन्होंने एंड देन खेड़ा खेड़ा भी बेटा आपका गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर क्या हुआ था क्रॉप फेल हो गई थी और फिर भी ब्रिटिशर्स हाई टैक्स हाई रेवेन्यू ले रहे थे तो यहाँ पे भी किसानों के लिए इन्होंने ये आंदोलन ये सत्याग्रह छेड़ा और ये तीनों सत्याग्रह जो है सक्सेसफुल रहे तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी बिकेम द इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अब इसके बाद ये तो छोटे छोटे सत्याग्रह थे गांधी जी डिसाइडेड देयर इज अ नीड ऑफ द मास मूवमेंट तो अब बारी आती है एनसीएम की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाउ गांधी जी इज आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन वॉज वेरी सिंपल सो इट अपील टू द मैसेज बड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने लोगों को समझाया इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये मोमेंट अट्रैक्ट कर गया पीपल वर आस्ट नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश नॉन वायलेंटली भैया ब्रिटिशर्स अगर आपके घर में हैं तो बिकॉज ऑफ योर कॉपरेट आपके घर पे कोई कब्जा कैसे कर सकता है जब आप उसको पानी पिला रहे हो आप खाना दे रहे हो आप उसके कपड़े धो रहे हो तो उन्होंने यही समझाया कि आप कॉपरेट कर रहे हो इसीलिए ब्रिटिशर्स की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं चुपचाप से कह दो नॉट टू कोऑपरेट जी हम नहीं कर रहे आपका काम अगर आप उनके सारे काम करने छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा सो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज टू बी ऑर्गेनाइज इन स्टेजेस और उन्होंने ये भी बोला कि देखो भाई एकदम से मैं कहूँगा मूवमेंट स्टार्ट कर दो तो लोकल लोगों को नहीं समझ आएगा तो क्या करना है स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जितने भी रिच लोग हैं लीडर्स लोग हैं जिनको भी जो टाइटल्स मिले हैं अवार्ड मिले हैं उसे रिनाउंस करो वापस करो सरेंडर करो तो सब ने फर्स्ट स्टेज में अपने टाइटल्स और अवार्ड को सरेंडर कर दिया फिर नेक्स्ट स्टेज में उन्होंने बोला कि अब ये सक्सेसफुली हो गया तो इसका मतलब सारे रिच पीपल बड़े बड़े लोग हमारे फेवर में हैं सेकेंड स्टेज में उन्होंने बोला अब बॉयकॉट करो किसका ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का करो बॉयकॉट लाइक ब्रिटिश स्कूल बच्चे बाहर आ जाए वहाँ से टीचर्स बाहर आ जाए कॉलेज से प्रोफेसर बाहर आ जाए लॉ कोर्ट से लॉयर बाहर आ जाए इलेक्शन और लेजिस्लेटर असेंबली का भी बॉयकॉट करो हर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का द नेशनलिस्ट लीडर स्टार्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन सच एज जामिया मिलिया एट अलीगढ़ एंड आपका काशी विद्या पीट ये दो तो शुरू किए थे हमने उस समय क्योंकि जो इंडियन बच्चे बाहर आ रहे हैं उन्हें कहाँ पढ़ाया जाएगा ठीक है एंड इट वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय द बोन फायर ऑफ द फॉरन गुड्स इन स्ट्राइक एंड हड़ताल अफकोर्स फॉरेन गुड्स का भी बॉयकॉट उस समय हुआ था तो इंस्टीट्यूशन का हुआ और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हो गया सेकेंड स्टेज सक्सेसफुल रही द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज ऑल्सो अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इन विच लीडर पेड अटेंशन to the promotion of unity of Hindu and Muslim, abolition of untouchability, spread of education, and popularization of indigenous goods and khadi. तो constructive भी था, ये नहीं कि आपने सिर्फ ये ही करना है, साथ-साथ जो समाज में छोटी-मोटी बुराइयाँ चल रही हैं, problem चल रही हैं, उसको भी short out करो। भाई लोगों को पढ़ाना लिखाना सिखाओ जो अनटचेबिलिटी है छुआ छू आप करते रहते हो उसको खत्म करो हिंदू मुसलमान में यूनिटी लाओ तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी साथ साथ किए गए अब लास्ट स्टेज जो थी इस मूवमेंट की डैट वॉज द सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट ओके इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू पे एनी टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिविल डिस का मूवमेंट क्या है सविनय अवज्ञा जी प्यार से मना कर रहे हैं हम नहीं करते ठीक है यानी नॉन कोऑपरेशन को फॉलो किया सीडीएम ने और ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स ने जितने भी आप पे अननेसेसरी टैक्स लगाए हैं उसको आप पे नहीं करेंगे और इसको स्टार्ट किया गया फर्स्ट फेबररी 1922 एट बारडोली इट बिकेम अ वेरी वेरी पॉपुलर मोमेंट एट दैट टाइम पर पता है क्या हुआ बेटा नॉन तो अपना चल रहा था ना सक्सेसफुली तो वो ऐसे खत्म कैसे गोरखपुर में, में एक जगह है और वहां पे क्या हुआ, एक हुआ था 5th Feb 1922 को वहां पे पुलिस और सत्याग्रही के बीच में थोड़ी क्लैशिंग हो गई और क्लैशिंग होने के कारण लोग जो है भड़क गए अब भड़क गए तो दे प्रवोक्ट और उन्होंने गुस्से में क्या किया पुलिस स्टेशन को जला दिया अब वहाँ पर ट्वेंटी टू पुलिस मैन वर गांधी जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सत्याग्रह तो बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस और आपने तो जिंदा जला दिया लोगों को तो इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट वापस ले लिया यह कह के कि ये मूवमेंट जो है कम्प्लीटली नॉन वायलेंट नहीं है कहीं कहीं लोग आज भी वायलेंट हो रहे हैं क्योंकि गांधी जी का मानना था ऑलवेज बी इन द पीस एंड नॉन वायलेंस तो इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया अब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी उस समय चल रहे थे हालांकि फ्रीडम मूवमेंट धीरे धीरे जो है ना थोड़ा स्लो हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ओनली सम पीजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट कंटिन्यूड सो सम पीपल फेल स्ट्रांगली डेट फोर्स शुड बी यूज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स रिवोल्यूशनरीज को लगा नहीं 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 सत्याग्रह जो चल रहा है चलने दो लेकिन फोर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ऐसे में फॉर्मड हुई आपकी एच आर एस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इट वॉज़ फॉर्मड इन 1924 बाय राम प्रसाद बिस्मिल जी आप फोटो में देख सकते हैं ना इन्होंने ये बनाई एसोसिएशन एंड इसके साथ इनके साथ थे जोगेश चटर्जी एंड सचिन सन्याल ब्रिटिश रेपलियन भैया प्यार से नहीं चलेगा जो हत्याकांड हुआ था ना वो सबसे पहला रिवोल्यूशनरी एक्ट माना जाता है इट अकर्ड इन ट्वेंटी फाइव एट कांकोड़ी कांकोरी आपका कहा है बेटा उत्तर प्रदेश में ना लखनऊ में एक जगह है वहां पर है एंड इन द रिवोल्यूशनरी स्टॉप्ड एंड लूटेड द ट्रेन कैरिंग द गवर्नमेंट कैश उन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट की एक ट्रेन जारी थी कांकोड़ी से जिसमें गवर्नमेंट ने अपना बहुत सारा सोना और कैश रख रक रखा था तो उस ट्रेन को इन्होंने लूटा था ताकि उसको ये अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकें द फोर ऑफ द रिवोल्यूशनरी वर्स सेंटेंस टू डेथ उनमें से चार राम प्रसाद बिस्मिल जो आपके थे देन आपके अशफाकला खान देन रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी इन चारों को जब गवर्नमेंट ने पकड़ा तो इन्हें डेथ पनिशमेंट दी गई अदर्स वर सेंटेंस फॉर द लॉन्ग टर्म्स ऑफ एम्प्राइजनमैन द नेक्स्ट मेजर रिवोल्यूशनरी भाई ये तो हो गई कांकोड़ी कांकोड़ी के बाद जो दूसरी मेजर एक्टिविटी की इन्होंने डेट वॉज द मर्डर ऑफ सौंदर्स अ पुलिस ऑफिसर ये ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था पहले कंकोड़े में ट्रेन लूटी दूसरी बार इन्होंने सौंदर पुलिस ऑफिसर्स को मारा द एच एस आर ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इट वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन ट्वेंटी एट पहले एसोसिएशन बनी फिर आर्मी भी बनी द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज द वेरी फेमस लीडर मेरा दे बसंती चोला भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद ही मरूंगा मैं दीज रिवोल्यूशनरी डिड नाट बिलीव इन वॉयलेंस रादर देन दे बिलीव्ड इन सेल्फ सेक्रीफाइस ये कहते थे हमें दूसरे को मारना नहीं है बल्कि हम अपने आप को मार के लोगों को सिखाएंगे दे वॉन्टेड अ प्लेटफॉर्म टू रेज देयर वॉइस उन्हें चाहिए था एक प्लेटफॉर्म जहाँ से हम सारे लोगों को सिखा सकें कि एक्चुअल में इंडिया में क्या हो रहा है और आपको कैसे यूनाइट होना है जैसे सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना है। उन्हें ये मौका मिल गया कब मिला 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त बीके दत्त लिखा है ना बटुकेश्वर दत्त थ्रू द बॉम्स इन द वेल ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग चल रही थी उसमें इन दोनों ने बॉम्ब फेंक दिया अब वो बॉम्ब ऐसा नहीं था बेटा जो किसी को हर्ट करे बट ऐसा था कि थोड़ा सा धुआं हो जाए आंसू गैस होती है ना जैसे वो छोड़ दे। सो दे कोर्टेड अरे शाउटिंग द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वो भागे नहीं वहाँ से वो चाहते तो धुएं से भाग जाते बम फेंक के लेकिन उन्होंने किसी को मारना नहीं था उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवाना था जानबूझ के और जब वो अरेस्ट हुए तो क्या बोल रहे थे इंकलाब जिंदाबाद ड्यूरिंग देयर ट्रायल मींस जब वो उनका ट्रायल होता था जज के सामने प्रोड्यूस किया जाता था दे यूज द कोर्ट टू स्प्रेड देयर मैसेजेस बहुत ही क्लेवर थे क्या किया उन्होंने जब भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती थी तो वहाँ पर खुलकर बोलते थे अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि कोर्ट में जब भी केस चलेगा तो मीडिया भी होगी इसमें और मीडिया तो पावरफुल है लोगों तक मैसेज पहुँचाने में और उन्होंने अपना मैसेज पहुँचाया द पकड़े जाने के बाद उनके साथ हर्ष ट्रीटमेंट हुआ द मास हाउ टू मेक द सुप्रीम सेक्रीफाइसेज लोगों को पता चला कि भगत सिंह बनने के लिए ना जिगरा चाहिए कैसे एक मास सेक्रीफाइस सुप्रीम सेक्रीफाइस हम कर सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग ट्रायल भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव वर सेंटेंस टू डेथ एग्जीक्यूटेड ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन थर्टी वन फांसी पे चढ़ा दिया गया उन तीनों को वो चाहते तो भाग सकते थे बेटा लेकिन भागे नहीं सिर्फ इसलिए कि ये दिखाने के लिए कि जेल में कैदियों के साथ क्या होता है या कोर्ट में क्या होता है और क्या ब्रिटिशर्स इंडियन के साथ कर रहे हैं सो डैट द इंडियन कैन अवेयर एंड यूनाइटेल्व इन द ब्रिटिशर्स ऑफ द अदर सेवन वर्सेंस टू लाइफ एम्प्रॉजनमैन चंद्रशेखर आजाद वो भी धोखे से पकड़े गए थे लेकिन उन्होंने पहले ही बोला था मैं आज़ाद मरूंगा तो जब उनके पास लास्ट गोली रह गई थी वो गोली उन्होंने अपने आप को मार ली वे वॉज सराउंडेड बाय द पुलिस ऑल ओवर इन other तो ही शॉर्ट हिमसेल्फ मैनी अदर dealt टुक प्लेस इन गवर्नमेंट डेल्ट hand. हैंड दे imprisoned इन द वेरियस जेल इंक्लूडिंग द सेलुलर जेल इन अंदमान जिसको मैंने आपको बताया था बेटा काला पानी कहते हैं उसे काला पानी की सजा मिलती थी उन लोगों को एट दिस टाइम सम न्यू नेशनल लीडर्स वर ऑल्सो राइजिंग ऑन द हराइजन जो नए ने नेशनलिस्ट लीडर उभर कर आ रहे थे उस समय दैट वॉज द सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस का नारा बहुत फेमस है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिल्ली चलो ठीक है उन्होंने अपनी खुद की आर्मी भी बनाई थी तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हुए जिनके कंबाइंड एफर्ट से शायद हम आज आज़ाद हैं साइमन कमीशन की बात करते हैं बेटा ये भी एक ऐसा कमीशन था आप कह सकते हो कि हमें लॉलीपॉप दिया गया मतलब सोचा गया कि इंडियंस के लिए कुछ थोड़ा सा सुधार कर देते हैं ताकि ये शांत हो जाएं और आज़ादी की लड़ाई ना लड़ें 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन इट्स ड्यूटी वॉज टू लुक इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उनको ये कहा गया भाई जाओ देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने लगाया था क्या उस तरीके से प्रॉपर वहां पे रूल हो रहा है काम अच्छे से कर रही है गवर्नमेंट एंड अगर नहीं कर रही है तो क्या रिफॉर्म चाहिए क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ सुधार बता के आओ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने हैं अब इस कमीशन में बेटा ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स नॉट अ सिंगल इंडियन आप सोचो आपके घर की बात कोई बाहर वाला कैसे बताएगा आपकी घर की प्रॉब्लम आप ही तो बता पाओगे ना तो इसीलिए बिकॉज देर वॉज नो सिंगल इंडियन मेंबर इन दिस साइमन कमीशन इंडियन बॉयकॉट दिस कमीशन वायर रेजिंग द स्लोगन गो बैक साइमन साइमन गो बैक और ब्लैक फ्लैग्स दिखा दिए उन्होंने फेबर 1928 में जब ये मिशन आया काले झंडे दिखाए गए द डिमॉन्स्ट्रेशन वॉर डेल्ट विद लाठी चार्ज एंड फायरिंग इतनी बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया बेटा कि इसमें हमने एक अपना महान लीडर खोया लाला लाजपत सीवियरली वाउंडेड इन द लाठी चार्ज उनके ना सर पे लाठियां मारते गए मारते गए लेटर स्क्रम्बल टू इट और कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई गोविंद वल्लभ पंत वॉज ऑल्सो असॉल्टेड ही वॉज क्रिप्पल्ड फॉर लाइफ मैनी पीपल एंड लीडर्स रिसीव ग्रेव एंड इंजरीज आसान नहीं है बेटा एक सेंटेंस में मैं बोल रही हूँ कि लाठी चार्ज हुआ लेकिन लाठी सर पे खाना बहुत पेनफुल है और उसके बाद भी सिर्फ भारत की बात करना आज़ादी की बात करना ये तो दीवाने ही होते हैं है ना तो ये सभी लोग थे जिन्होंने बहुत एफर्ट किए इंडियन फ्रीडम्स में अब धीरे धीरे क्या हुआ कि डिमांड आने लग गई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कि बहुत हो चुका बहुत सारे कानून ले आए हो बहुत सारे कमीशन ले आए हो कुछ नहीं चाहिए अब हमें कंप्लीट आजादी चाहिए इन 1930 थर्टी गांधी जी डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल सो बेटा जब 26 जनवरी 1930 को वी हैव ऑब्जर्व एज अ सिम्बॉलिक इंडिपेंडेंस डे ना तो उस दिन सभी लोगों को शपथ दिलाई गई टू अटेन द पूर्ण स्वराज कि अब हम अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे एंड आफ्टर दैट द सिविल मूवमेंट वॉज ऑल्सो लॉन्च अगेन अब बारी आती है डांडी मार्च की डांडी मार्च वॉज द फर्स्ट एक्शन ड्यूरिंग द सिविल डिस मूवमेंट हुआ क्या बेटा आपका ट्वेल्थ मार्च 1930 गांधी जी लेफ्ट द साबरमती आश्रम विद द 78 फॉलोअर्स उन्होंने अपने आश्रम के साथ मतलब सा, 78 को लिया और डांडी यात्रा शुरू कर दी अब डांडी क्या है डांडी एक स्मॉल और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं साबरमती आश्रम से लेके डांडी कोस्टल विलेज तक चलूंगा और वहां जाकर जो सॉल्ट लॉ बनाया था ना ब्रिटिशर्स ने कि भैया इंडियन जो हैं अब सॉल्ट नहीं बना सकते पूरी की पूरी जो सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग की अथॉरिटी थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले ली थी मोनोपोली विदाउट परमिशन यू कैन नॉट मेक द सॉल्ट अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं सॉल्ट वहाँ जाके बनाऊँगा गवर्नमेंट हैड बैंड सॉल्ट मेकिंग बाय द पीपल सो हुआ क्या इट वॉज थ्री एटी फाइव किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस मतलब साबरमती से अगर डांडी आना था तो तीन सौ पचासी किलोमीटर का डिस्टेंस था एज ही वॉकड

और जैसे ही उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया तो क्या हुआ ही डिफाइड द सॉल्ट लॉ जो कानून बनाए था अंग्रेजों ने वो उन्होंने तोड़ दिया सो द पीपल प्रिपेयर्ड सॉल्ट एंड कोर्टेड अरेस्ट पीसफुली लोगों ने भी जगह-जगह जो है नमक बनाना शुरू कर दिया और आराम से ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़ते थे मारते थे जेल चले जाते थे अदर लीडर्स आल्सो लेट सच मार्चेस इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया डांडी मार्च तो हुआ ही हुआ लेकिन डांडी मार्च जैसी और भी मार्च हुई अलग अलग पार्ट में इंडिया के जिसे लीड किया सरोजनी नायडू ने सी राजगोपालाचार्य ने अदर एक्शन इन द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वर पीपल रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस विमेन एंड स्टूडेंट टू काउट प्रोसेशन भैया हम टैक्स नहीं दे रहे आपका औरतें बच्चे बाहर आ गए स्कूल छोड़ के कॉलेजेस छोड़ के और विद्रोह करने लग गए द इंडियंस रिजाइन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट जॉब्स एडवोकेट्स कैप्ट अवे फ्रॉम द लॉ कोर्ट जी भाई लॉ कोर्ट में हम नहीं जा रहे हम नहीं करेंगे कोई केस की लड़ाई द ब्रिटिश अरेस्टेड ऑल इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर्स द कांग्रेस वॉज बैंड ब्रिटिशर्स ने क्या एक्शन लिया सबको अरेस्ट करना शुरू कर दिया लाठीचार्ज शुरू कर दिया और बड़े बड़े जो कांग्रेस लीडर थे उनको तो बिल्कुल ही जेल में डाल दिया और फाइनली डिसाइडेड कि कांग्रेस जैसी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अलाउड नहीं है बैंड कर दी सेवरल पीपल वर ड्यू टू पुलिस ब्रिटैलिटीज पुलिस ने तो अपना काम करना है फायर मारना पीटना है मोर देन नाइन्टी थाउजेंड पीपल वर अरेस्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम इतनी बड़ी तादाद में डांडी मार्च जो है हालांकि सफल रहा बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए लेकिन डे बाय डे सिचुएशन बर्स्ट होती जा रही थी खान अब्दुल गफ्फार खान आपको पता है खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं ठीक है ही वाज द डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी led the movement in पेशावर he took over the city of पेशावर for a week पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है बेटा पूरा हफ्ता उन्होंने वहाँ पे मूवमेंट चलाया मैनी इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू फायर ऑन द प्रोटेस्टर द मार्शल लॉ हैड टू बी इम्पोज इन शोलापुर द नागालैंड रानी आपकी थी यहाँ पर गैडल्यू नागालैंड की शी ऑल्सो रिस्पोंडेड टू गांधी जी कॉल मतलब कहने का मतलब ये है कि जगह जगह जो भी लोकल लीडर्स थे उन्होंने गांधी जी का साथ दिया इसमें अब नागालैंड की जो ये रानी थी उन्होंने क्या किया शी रेज द ब्रिटिशर शी वॉज ओनली साल की थी वो. She was jailed for several year. तो इतने लोगों ने काम किया. एंड एट दैट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फिर भी इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट चलता रहा अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी बेटा स्टार्टेड इन यूरोप इन 1939. मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर वन चली 1914 टू 18 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी 1913 टू 1945 अब एज ब्रिटेन वाज द पार्टी टू द वॉर एंड इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल ब्रिटेन डिक्लेयर इंडिया टू अ पार्टी टू द वॉर एंड पोस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन डिफरेंट वॉर ज़ोन्स द कांग्रेस वॉज अपोर्ट टू दिस भैया कांग्रेस ने बोले क्या मजाक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपने हमें भेजा वहाँ पे हमने सपोर्ट किया ताकि आप हमें आजाद कर दें लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम नहीं जाएंगे आप ये जो फोर्सफुली हमें भेज रहे हैं हम नहीं जाएंगे हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं जब तक आप ये ना कह दें कि इंडिया आजाद होगा वी डिमांडेड टू फ्री इंडिया फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट चूज टू सप्रेस बौखलाए हुए उन्होंने कुछ नहीं रिजाइन कर दिया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से सेंट्रल लेजिस्लेचर से कि अब कुछ नहीं सुनेंगे हम अब सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और लास्ट मोमेंट चला भारत की आजादी का डेट वॉज क्विट इंडिया मोमेंट इन नाइनटीन फोर्टी टू ऐसा कहा जाता है बेटा कि भारत की आज़ादी की ये आखिरी कील थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द टाइम ऑफ सफरिंग फॉर द इंडियन पीपल फूड वॉज शॉर्टेज द गवर्नमेंट वॉज ब्रूटल खाने की कमी पड़ रही है सरकार ऐसी निकमी है क्रूअल है सो द कांग्रेस पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन एट अगस्त 1942 ये डेट बेटा आपको याद रखनी है 8 अगस्त 1942 गांधी जी कॉल्ड फॉर क्या स्लोगन उन्होंने रेस किया क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे डू और डाई बस लास्ट है ये करो या मरो एवरी मैन विमेन चिल्ड्रन वॉज ड्रॉन इन टू द फ्रीडम मूवमेंट एवरी प्लेस विद द स्लोगन देर वॉज अ वॉइस ब्रिटिश क्विट इंडिया एंड एज वेल एज एंग्रेजोन भारत छोड़ो छोड़ो भारत इस तरीके के मूवमेंट जो है या स्लोगन जो है वो चारों तरफ सुनाई पड़ रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे प्रोटेस्ट एंड डिमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस एट एवरी प्लेस और ब्रिटिश सिंबल्स उनका क्या क्या होता है डिस्ट्रॉय डिस्ट्रिक्शन क्रुएलिटी द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल आउट द आर्मी इंप्लायड मेनी पीपल भर लो भैया कितनी जेल भरोगे जेल भरो आंदोलन हो गए तो पूरा मैनी पीपल वर किल्ड अब लोग मरने को भी तैयार थे क्योंकि नारा यही था डू वाई बट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स देवर नाउ यूनाइटेड एजुटेशन कंटिन्यूड होता रहा सम लीडर्स वेंट अंडरग्राउंड दीज इंक्लूडेड जयप्रकाश नारायण अरुणा असफ अली इवन राम मनोहर लोहिया एंड सुचेता कृपलानी इन सब ने अपने आप को अंडरग्राउंड किया क्योंकि इन्हें पता था कि अभी देश को हमारी जरूरत है एंड दे स्टार्टेड टू मेक द सीक्रेट प्लान एट दैट टाइम एक और वर्स सिचुएशन आ गई इंडिया में नाइनटीन फोर्टी थ्री में ऑलरेडी फेमाइन अक्कड़ हो रहा था विच फर्दर व कंडीशन ऑफ द पीपल इट वाइब ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट मतलब बहुत बुरी हालत देखी थी बंगाल ने जो कि सबसे हरा भरा राज्य माना जाता था अकाल पड़ गया बेटा वहाँ पे सो so, सुभाष चंद्र बोस उनका रोल अब यहाँ पर आता है इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस इन थर्टी एट एंड थर्टी नाइन ऑल्सो एंड ही वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड ओवर थ्रो द ब्रिटिश विद जर्मन एंड जापनीज हेल्प उनका दिमाग चला उन्होंने बोला वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिशर इंगेज हैं तो इस समय इंडिया में अगर हम एक्टिविटीज करते हैं तो भारत बहुत जल्दी आजाद हो जाएगा तो ही टुक द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड जापान He was arrested in 1940, but he escaped in a dramatic act and visited. ऐसा माना जाता है बेटा कि सुभाष चंद्र बोस और इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है शिवाजी की बॉडी रबड़ की बनी हुई थी या ना कहीं से भी निकल जाते थे तो बड़े ड्रामेटिक मैनर में 1940 में उन्हें जो है जेल में डाला गया और कहा जाता है वो टोकरी में बैठ के कैसे बैठ के वहाँ से जेल से निकल गई और ब्रिटिशर्स को पता भी नहीं चला एंड देन ही विजिटेड जर्मनी एंड जापान ही sought the support in the Indian freedom movement. उन्हें ये पता था कि भैया हमें तो सपोर्ट चाहिए तो Indian freedom movement के लिए वो जापान और जर्मनी का सपोर्ट गेन करने लग गए अब आपके जो रश बरी रश बिहारी बोस जो थे and even General Mohan Singh had set up the आज़ाद हिंद फौज बेटा इस आर्मी को हमें भूलना नहीं है इसे हम आई एन ए भी कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी और हिंदी में आज़ाद हिंद फौज जापान में बनाई सुभाष चंद्र बोस रीच सिंगापुर इन 1943 एंड रीऑर्गेनाइज द आईएनए फ्रॉम अमंग्स द इंडियन सोल्जर हु हैड बीन टेकन प्रिजनर बाय जापान उन्होंने क्या किया जापान में जो इंडियन सोल्जर्स पकड़े गए थे ना उनको छुड़ा छुड़ा कर उन्हें की आर्मी बना दी देर वर अबाउट फोर्टी फाइव थाउजेंड्स ऑफ दैम सोचो इतने तो जापान की जेलों में इंडियन सोल्जर्स थे उनको फ्री करा के उन्होंने ये आई एन ए बनाई एंड बोज फॉर्म द प्रोविशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन नाइनटीन फोर्टी थ्री एट सिंगापुर एंड डिक्लेयर वॉर ऑन ब्रिटेन उन्होंने कह दिया जी भारत आजाद है हमारे हैं हमला करने के लिए अपनी आई एन ए के साथ उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी वॉर छेड़ दी इंडियन वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन आई एन ए ऐसा नहीं है कि इस आर्मी में सिर्फ आदमी थे औरतें भी थी देर वॉज अ वूमेन विंग ऑफ आई एन ए अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जिन्हें ये भी कहा जाता है रानी झांसी रेजिमेंट मतलब जो औरतों की आर्मी बनी थी ना उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट और लीड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सुभाष चंद्र बोस गेव टू स्लोगन पहले भी बताया था मैंने जय हिंद दिल्ली चलो दिल्ली चलो मतलब दिल्ली चलो वहाँ पहुँचो और कैप्चर करो दिल्ली को इन 1944 थ्री यूनिट्स ऑफ आई तीन तरीके से, ठीक है तीन तरफ से अटैक्ड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हाउर ब्रिटिश ना वट जापान वॉज ऑल्सो फेसिंग डिफीट सो दे कुड नॉट गेट एनी हेल्प हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि जापान की सपोर्ट पे हम आगे बढ़ रहे थे लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में जापान की हार हुई थी तो हमें जापान से सपोर्ट मिला नहीं और अनफॉर्चुनेटली गद्दार भी बहुत थे तो हमारी आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स पकड़े गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड इन 1945 बाय दिस टाइम द ब्रिटिश हैज रियलाइज सो बेटा अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो एंड हो रही थी 1945 में और अब तक ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज हो गया था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द इंडियन नाउ तो ये डिसाइड हुआ कि कैबिनेट मिशन भेजते हैं इंडिया सो कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया इन 1946 फोर्टी सिक्स

मना कर दिया जी उन्होंने जी हम किसी मिशन में किसी रिफॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हमें सीधे एक सेपरेट नेशन चाहिए डैट इज़ द पाकिस्तान एंड डैट इज़ ओनली मेंट फॉर मुस्लिम उन्होंने डिविजन की बात कर दी लॉर्ड माउंट बेटन उन्हें बुलाया गया द लास्ट वॉयस ऑफ इंडिया वो आए मार्च 1947 में एज ए न्यू वॉयस फाइनल सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई बैठो और बात करो क्या करना है बट सोल्यूशन जो निकला वो बहुत दर्दनाक था इट वॉज़ दैट इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू टू कंट्री दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर रिफ्यूजेस। ये बहुत बड़ा डिवीजन था पार्टीशन का पेन बेटा हम आज तक नहीं झेल पा रहे तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी तो आई लेकिन शायद भारत के डिवीज़न पर आई और शायद क्या कन्फर्म डिवीजन पर ही आई और दर्द भरी आज़ादी आई तो इट्स एंड ऑफ द चैप्टर लेट्स डू द क्विक रिविजन वट यू हैव अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर नंबर वन द इंडियंस वर डिमांडिंग सिविल लिबर्टीज लेकिन क्या किया ब्रिटिशर्स ने लिबर्टी तो दी नहीं रॉयल अटैक दे दिया रॉयल अटैक के बाद जलियांवाला बाग ट्रेजिडी इस तरीके से डे आफ्टर डे दे डिड द ब्रूटल सप्रेशन गांधी जी जनवरी 1915 में इंडिया आए जब वो आए तो ही स्टार्टेड द सत्याग्रह मेथोडोलॉजी हेयर आफ्टर दैट ही स्टार्टेड द मासन मास मूवमेंट दैट इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चोरी चौरा इंसिडेंस इसको विदड्रॉ कर लिया गया देन रिवोल्यूशनरीज का बहुत बड़ा रोल रहा टू ओवर थ्रो द ब्रिटिश बाय द यूज ऑफ फोर्स पीपल रोज अगेंस्ट द साइमन कमीशन ये भी हमने पढ़ा और इसी साइमन कमीशन में वी लॉस्ट आर ग्रेट लीडर लाला लाजपत राय जिन्हें हम पंजाब की श्री भी कहते हैं देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई ब्रिटिशर्स के सामने 1930 में हिस्टोरिकल डांडी मार्च हमने पढ़ा उसके बाद द लास्ट मोमेंट वॉज द क्विट इंडिया मोमेंट ये हमने पढ़ा और सुभाष चंद्र बोस जी का मेजर रोल उनकी आई एन ने इंडियन नेशनल आर्मी ने कैसे काम किया finally india got its independence on 15th august 1947 but with the partition india and pakistan so we have completed this chapter now revise the chapter and do the exercise